नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी, नए केस 3 लाख से कम। चाकू के साथ पकड़ाए अपराधी, पूर्व महापौर पुष्पाताई घोड़े का निधन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी, नए केस 3 लाख से कम। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने वालों की संख्या में गिरावट नहीं। देश में बीते 24 घंटों में 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि कोविड महामारी की चपेट में आए करीब 4,100 मरीजों ने दम तोड़ा है। वर्ल्डरोमीटर के मुताबिक 24 घंटे में 2,81,000 केस सामने आए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले घट रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में मौतों का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वही दूसरी ओर चाकू के साथ पकड़ाए अपराधी। यशोधरा पुलिस ने शनिवार की रात हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यशोधरा नगर पुलिस ने शनिवार की रात कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर हथियार लेकर घूम रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वन देवी चौक के पास मोहम्मद सादाब, मोहम्मद शाहिद अंसारी मोमिनपुरा संदिग्ध अवस्था में मिले। उनकी तलाशी लेने पर चाकू बरामद किया गया। ईटा भट्टी चौक के पास हंगामा मचा रहे अनिकेत उर्फ भंते शेखर मेशराम धम्मदीप नगर को चाकू के साथ पकड़ा। इंदिरा माता नगर में NIT उद्यान के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे वृषभ राममूर्तन नेहारे पंचवटी नगर को भी पकड़ के चाकू बरामद किया गया। तो वही तीसरी और पूर्व महापौर पुष्पाताई घोड़े का निधन। उनका अंतिम संस्कार गंगाबाई घाट पर किया गया। पूर्व महापौर पुष्पाताई घोड़े का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गंगाबाई घाट पर किया गया। उनका शहर के एक निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्होंने कोविड को मात दी, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत फिर खराब हो गई और रविवार की दोपहर में उन्होंने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली। उन्होंने वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक लगातार 3 बार मनपा चुनाव जीता था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।